श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, राजा नल जो थे वो अपनी पत्नी दमयंती की आधी साड़ी लपेटे हुए और जंगल में भ्रमण कर रहे थे। फिर उनकी भेंट कर्कोटक नाम के नाग से हुई, जहाँ कर्कोटक नाग ने उनको दिव्य वस्त्र दिए और निवेदन किया कि महाराज, अब आप अयोध्यापुरी राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पर चले जाएं। उस कर्कोटक नाम के नाग का अनुरोध स्वीकार करके राजा नल जो थे वो राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पर पहुँचे। राजा ऋतुपर्ण की सभा में जाकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, मेरा नाम बाहोक है और मैं बड़ी ही सुंदर रसोई बनाता हूँ, हस्तकला में भी निपुण हूँ, तथा मेरे में एक और बहुत ही अच्छा अद्भुत गुण है कि मैं पशुओं की बीमारी के संबंध में जानकारी रखता हूँ और उन्हें मैं ठीक करने की भी क्षमता रखता हूँ। मैं सुंदर नस्ल के घोड़ों की परख कर सकता हूँ और रथ चलाने की मेरे में बहुत ही अद्भुत और अच्छी क्षमता है। तब राजा ऋतुपर्ण ने उन्हें अपनी अश्वशाला का अश्वपाल यानी सारथी नियुक्त कर दिया। इधर रानी दमयंती के पिता, जिनका नाम महाराज दमघोष था, जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री और दामाद का राज दुष्टों ने छीन लिया है और वे अपनी राजधानी से कहीं दूर अज्ञात स्थान पर चले गए हैं, तब दमघोष ने दसों दिशाओं में उनकी खोज के लिए अपने दूत भेज दिए। तो उन्हीं में से एक दूत, जिसका नाम सुदेव था, वह ग्वालियर के पास में जो चंदेरी नाम का कस्बा है, यह प्राचीन काल में चेरी राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो वह सुदेव नाम का दूत उसी चंदेरी नाम के कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सुनंदा के साथ में दमयंती बैठी हुई है। तब वह दूत दमयंती के पास में पहुंचा, कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हारे ना होने के कारण तुम्हारे माता पिता और भाई तथा परिवार के सभी लोग बड़े व्याकुल हैं। मेरा अनुरोध है कि अब आप अपने पिता के यहाँ पर चलें, जिससे उन सभी माता पिता तथा भाई बंधु इत्यादि जो भी हैं उनके कष्टों को दूर किया जा सके। तब दमयंती कहने लगी कि सुनो, निश्चित ही तुमने बड़े सुंदर वचन कहे हैं कि मुझे अपने पिता के यहाँ पहुँच जाना चाहिए, परंतु मेरा ऐसा निवेदन मेरे पिताजी से जाकर के आप कहना कि मैं यहाँ पर चेदी राज्य की जो राजधानी है जिसका नाम चंदेरी है, मैं यहाँ पर हूँ। पिताजी विधिपूर्वक यहाँ पर सेवकों को भेजें और मैं उन सेवकों के साथ में निश्चित ही अपने पिताजी के यहाँ जाना चाहती हूँ। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।